वेलकम माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आया हूं अपने ऑर्चर्ड में और यहां पर एक जो मेरे पास खेत है ऊपर वाला छोटा सा, तो इसमें हम ग्राफ्टिंग का कार्य शुरू कर रहे हैं। और आज मेरी हेल्प करने आए हुए हैं रोहन सिंह चौहान, तो ये बहुत ही एक्सपर्ट है ग्राफ्टिंग के विषय में। तो इनसे आप जाने कि किस तरीके से हमें ग्राफ्टिंग करनी है, किस तरीके से हमें कलम की और बाल्टी की मैचिंग करनी है। तो हम अब चलते हैं रोहन सिंह चौहान के पास। तो रोहन सिंह, आप बताइए लोगों को कि किस तरीके से हमें ग्राफ्टिंग करनी होती है एप्पल की, ताकि 100% सक्सेस हमारी कलम हो सके। सभी बागवान साथियों को मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले जो इसमें आपने ध्यान रखना है, वो आपकी पाल्टी मोटी होनी चाहिए ताकि साल भर पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। बाकी आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं किस तरह से कलम की जाती है। और फिर इसमें कट्स लगाना होता है, तो कट कितनी ऊंचाई पर लगना चाहिए लगभग आपके हिसाब से? कट लगभग इसमें मैं तो चाहूँगा कि आप 10 इंच पर कट लगाएं, पर 6-7 इंच पर भी अगर आप लगाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉलर रोड से काफ़ी बचाव रहेगा आपके पौधे का आने वाले भविष्य में। कॉलर रोड की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा ग्राफ्टिंग का कार्य शुरू करें और थोड़ा लोगों को बताएं। जैसा कि सबसे पहले हम इसमें कट देंगे, कट आपने इसमें बिल्कुल तिरछा देना है ताकि आपका समय जो है वो बच सके। अब समय की बचत के लिए थोड़ा तिरछा कट लगाना है, ताकि हमें थोड़ी कट जो देना है आपने वो बिल्कुल, जब इसके बाद आपने चाकू से इसको बिल्कुल साफ करना है, कोई भी मतलब इसमें बारीकी ना रहे, बारीकी से बिल्कुल साफ करें ताकि आपका एक साल बच सके। अच्छे से सफाई करनी है इसकी ऊपर से, तो इनका कहना है। इस तरीके से फिर हल्के हाथों से एक तिरछा कट लगाए, नीचे को कट्स लगाना होता है इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं। फिर पीछे से थोड़ी सफाई करें ताकि आपका कागज फटे ना। जी, चोंच जैसी ऊपर को रहती है पीछे, तो इसको हमें कट करना होता है ताकि अच्छे से ये हिलअप हो सके बैक साइड से भी। और फिर कलम बनाने का जो आपने मेन ध्यान रखना है वो ये है कि जो ये फर्स्ट आइज होती है नीचे की तरफ, इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको कलम तैयार करनी है। अपोजिट साइड कलम तैयार करनी होती है आइज के, इस तरीके से। और ये बिल्कुल बारीकी का काम है, ये बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए। आप दिखाएं जरा किस तरीके से आपने कलम को छीला हुआ है, थोड़ा कैमरे के पास आकर के। ये बिल्कुल बारीक काम है, इसमें थोड़ी सी भी अगर गलती हो गई तो आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से काफी सफाई से इन्होंने कलम बना रखी है, तिरछा कट लगाए। ये थोड़ी कलम पतली है, कुछ आपने इस तरह से इसको स्किन को बिल्कुल मैच करना है। स्किन से स्किन नजदीक से दिखाया आप कृपया, इस तरीके से आपने बिल्कुल दोनों साइड की स्किन को ध्यान रखना है, दोनों साइड की स्किनें मिले, ताकि अगर कोई एक साइड फेल भी हो जाए तो दूसरी साइड से कलम चल सके। और इधर से बिल्कुल आपने तिरछा कट बिल्कुल इसके साथ मैच करना है निचले वाली साइड को। इसके बाद इसको रैप करेंगे इस तरीके से, कलम मिलनी चाहिए। आप देखें स्किन से स्किन कितनी अच्छे से मिली हुई है, आप यहाँ देखें करीब से आप देख सकते हैं, और स्किन से स्किन मिली हुई है। और इससे जब स्किन से स्किन अच्छे से मिलती है, इसके बाद इसको रैप करेंगे। रैप थोड़ा नीचे से करें क्योंकि हवा घुसने के चांस रहते हैं, इसमें डरे ना कि
आपका कागज़ ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि अगर कलम कहीं फेल हो गई तो आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कागज़ के लिए बिल्कुल बिना डरे। स्किन से स्किन और रैपिंग भी अच्छे से करनी होती है हमें, जैसे कि कर रहे हैं रोहन सिंह। और जो लास्ट किया है इसको भी रैप करें, ताकि कई बार कलम ऊपर से सूख जाती है, कम से कम ये तो जो इसके अंदर टेम्परेचर बना रहेगा तो ये चल जाएगी आपकी कलम इस तरीके से नीचे की तरफ, तो बिल्कुल ये एयरटाइट हो जाए। अच्छे से एयरटाइट इसको करना होता है जैसे कि रोहन सिंह बता रहे हैं, ताकि इसके अंदर हवा वगैरह ना घुसे, पानी वगैरह ना घुसे, तभी हमारी कलम अच्छे से कलम चल सकती है। तैयार है तो अब इन्होंने कलम को अच्छे से लगा दिया है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से कलमें करें और अपने बगीचे को अच्छे से हरा भरा बनाएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए सभी बागवान साथियों का और अन्य जो लोग भी इस वीडियोस के माध्यम से ग्राफ्टिंग करना सीख सकते हैं, तो उन सभी को मेरा धन्यवाद।